असल वरम् वर्क हामिद उमस मुसलमन खालन नबी वसम जदब्दन बफिन महतरम नाद्र आज मैं आपके सामने समाज में फैली हुई एक गलत फ़हमी का इजाला करना चाहता हूँ वो गलत फ़हमी है कि इंसान अपने ऊपर आने वाली तकलीफ़ों परेशानियों और मुसीबतों की वजह से इंसान के अंदर इंतकाम के जज्बात पैदा होते हैं और जिसने उसे तकलीफ़ दी है जिसने उसे दुख पहुंचाया है उससे बदला लेना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाता है और अगर उससे कहा जाए कि आप उस शख्स को माफ कर दें जिसने आपको तकलीफ पहुंचाया है तो इंसान मुआफ करने में अपनी तोहीन समझता है उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले को मुआफ कर दूं तो उसकी नाक कट जाएगी समाज में लोग उसकी तोहीन करेंगे समाज में उसे छोटा समझा जाएगा गोया मुआफ करने को कुशादा दिली इख्तियार करने को इंसान अपनी तोहिन समझता है और इंतकाम को बदला लेने को अपनी भड़ास और गुस्सा उतारने को इंसान अपनी बहादुरी समझता है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज्जत इंसान की इसमें है कि वो मुआफ कर दे देआ कर देना दरगुजर कर देना दरअसल अल्लाह रब्लम के नज़दीक बाज़्ज़त इंसान का काम है और जो इंसान मुआफ़ कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया और आख़रत में इज्ज़त अता फरमाता है लिहाजा अगर हमारे जहन में हमारे दिमाग में ये बात मौजूद है कि हमें बदला लेना और इंतकाम लेना यह हमारी शान को बढ़ाता है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं बल्कि मुआफ़ करना दरगुजर कर देना यह इंसान की इज़्ज़त और शान में इजाफा करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वमा जाद इल्ला इज्जा सल्हसन अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी बंदे के माफ कर देने की वजह से उसकी इज्जत में इजाफा ही फरमाता है यानी जब भी आप माफ करेंगे जब भी आप दरगुजर करेंगे जब भी आप सामने वाले से इंतकाम नहीं लेंगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने वाले के दिल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत अता फरमाता है और आपको खुद दुनिया और आखरत में एक बाइज्जत इंसान बना देता है यह हदीस रसूल हमें बताती है कि हमें अपनी समाज में और दुनिया और आखरत में इज्जत पाने के लिए इंतकाम की राह को छोड़ करके माफ करने की राह इख्तियार करना चाहिए ज़रा याद कीजिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का वो मौकफ कि आपने मक्का फतेह किया और सारे दुश्मन आपके सामने मौजूद हैं लेकिन आपने सबको मुआफ कर दिया इस मुआफ़ी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में इजाफा हुआ अगर आप इंतकाम लेते तो आपका ये मकाम उनकी निगाह में कभी नहीं बनता लेकिन माफी ने मोहम्मद वसल्लम का मकाम उनके दिलों में और बढ़ा दिया लिहाजा इस हकीकत को इस सच्चाई को हमें तस्लीम करना है और आमली शक्ल देना है कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो वो इंतकाम के रास्ते में नहीं है बल्कि इज्जत मुआफ करने की राह में है और रसूल अकरम सल्लाम की ये हदीस रसूल हमें इसी बात की तलकीन करती है वमाजाद अल्लाह अब्दन बेअफ़िन अज्ज़ा कि अल्लाह रब्लम बाज़्ज़त उसे बनाता है अल्लाह रब्लम उसकी इज़्ज़त में इजाफा करता है जो बंदा अफ और दरगुजर से काम लेता है जो बंदा मुआफ़ करता है लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने समाज में अपने मातहतों के साथ मुआफ़ी का रवैया अपनाएँ अपने उन तमाम लोगों के साथ दरगुजर करवैया अपनाएं जिनसे हमें कभी तकलीफ पहुंचती है इसके ज़रिए अल्लाह रब्लम हमारे इज़्ज़तों में इजाफ़ा करेगा अल्लाह रब्लम हम सब को तोफ़ी अतः फ़रमाए कि हम उन तमाम लोगों के साथ मुआफ़ी का दरगुजर का मामला फरमाएँ जिनसे हमें कभी तकलीफ़ पहुँचती है ताकि हमारी इज़्ज़त में और हमारी रिफात में दुनिया के अंदर भी और आख़रत के अंदर भी अल्लाह रब्लम इजाफा फरमाए अल्लाह रब्लम हम सब को इंतकाम की राह से बदले की राह से हट करके अफ व दरगुजर की राह अपनाने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन असलम आलकम व